आप लोगों को मैं बोला था कि जब रुद्राक्ष वर्ण स्टार्ट होगा तो महाराज जी कथा में बताएंगे करके, तो अभी नेपाल का जो कथा चल रहा था उसमें चार चौथा दिन मतलब 20 तारीख को महाराज जी ने अनाउंस किया। और यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर बांटते। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कुबेश्वर धाम सीहोर में किस प्रकार से रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा है और क्या सुविधाएँ बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से सारी सुविधा बनाया गया है। और दोस्तों कुबेश्वर धाम में इस प्रकार से 8 काउंटर बनाया गया है जिसमें किसी भी चुनाव में आप वोटिंग डालने जाते हो उस तरह से आपको एक निशान लगाया जाएगा। ऑनलाइन रुद्राक्ष हेलो दोस्तों, केक और ब्लॉग में सबका स्वागत है। दोस्तों आप सबने तो थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं क्या जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और डाला था, आप लोगों को पता था कि सीहोर में रुद्राक्ष वितरण होगा करके, लेकिन आज वो दिन आ गया दोस्तों कि महाराज ने अभी नेपाल का जो कथा चल रहा था उसमें अनाउंस किया है। आप लोगों को मैं बोला था कि जब रुद्राक्ष वर्ण स्टार्ट होगा तो महाराज जी कथा में बताएंगे करके, तो अभी नेपाल का जो कथा चल रहा था उसमें चार चौथा दिन मतलब 20 तारीख को महाराज जी ने अनाउंस किया और रुद्राक्ष वर्ण 17 तारीख से हो गया था। तो महाराज जी ने क्या अनाउंस किया गया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाता हूँ, और आप मेरे वीडियो में बने रहो, मेरे चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो सुनाता हूँ महाराज जी ने क्या बोला गया है। और दोस्तों अब मैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कुबेश्वर धाम जो सीहोर है वहाँ कैसा रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, किस प्रकार से दे रहा है, तो आप मेरे वीडियो में पूरा बने रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं महाराज जी ने क्या बोला है। इस कथा में रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल वाले बहुत चढ़ाए हैं, हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर जब से 17 तारीख से यहाँ कथा चालू हुई हमने भी सोच लिया था 17 तारीख शिवरात्रि का दिन रहेगा, जो मासिक शिवरात्रि आती है 17 तारीख को थी, तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर बांटते। अब लोग साल भर में कभी भी आप लिख लेना 17 मई को चालू हुआ है, तो अगली 17 मई के बीच में कभी भी आप सीहोर आएंगे कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी पहुंचोगे, बाबा का प्रसाद अमृत तुल्य जो रुद्राक्ष कंकर शंकर की धरा का है जिसको पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, किडनी लीवर कैंसर आदि कादिक में लोगों को लाभ होता है। गले में एक एक माँ ने लिखा है, मेरी बेटी सीहोर का रुद्राक्ष पहनी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खल्लास हो गई। कहाँ कोई बैठी है माँ जिसने पत्र लिखा था जिसकी लड़की की पूरी गाड़ी समाप्त तो हो गई और मेरी बेटी बाबा देवाधिदेव महादेव ने बचा लिया, उसका रुद्राक्ष उसके साथ था। ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी का तत्व है, उसको पहचानो। और केवल रुद्राक्ष लेकर नहीं, जब तुम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ, वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात कहकर बाबा से पाथरी पूजन कर कंकर शंकर की पूजन कर जब वापिस आओ, बेग मत खोलना, 3 महीने तक बंद ही रहने देना, 3 महीने में बाबा तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करेगा, वो ही बेग लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव तत्व। दोस्तों आपने तो सुना होगा महाराज जी ने बहुत बड़ा अनाउंस किया गया है सभी श्रद्धालु के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कुबेश्वर धाम सीहोर में किस प्रकार से रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा है और क्या सुविधाएँ बनाया गया है। दोस्तों कुबेश्वर धाम में इस प्रकार से 8 काउंटर बनाया गया है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर है, और यहाँ जब आप रुद्राक्ष लेने जाओगे तो आप लोगों को जैसे किसी भी चुनाव में आप वोटिंग डालने जाते हो उस तरह से आपको एक निशान लगाया जाएगा, उसके बाद आपको रुद्राक्ष दिया जाएगा, ताकि एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष दे रहा है और आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये ऑफलाइन दे रहा है। ऑनलाइन रुद्राक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन का भी कुछ प्रोसेस चालू नहीं किया गया, सिर्फ ऑफलाइन दे रहा है। आप वहाँ जाओ कुबेश्वर धाम सीहोर में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही दिया जाएगा, ऑफलाइन ही दिया जाएगा, ऑनलाइन का भी कुछ बताया नहीं है। अगर ऑनलाइन चालू होगा तो उसका भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से सारी सुविधा बनाया गया है और सब में लिखा गया, देख सकते हो बाबा एक सहारा है,
आप लोग देख सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे इसलिए 8 काउंटर बनाया गया है और इस तरह से सभी काउंटर को घेरा कर दिया गया ताकि एक काउंटर में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में तो संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बोलिए ओम नमः शिवाय।